जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि वहां एक आईईडी धमाका हुआ है। आतंकियों ने सीआरपीएफ और सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये धमाका हुआ वहां सुरक्षा बल का कोई जवान नहीं था। धमाके के बाद सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें पुलवामा में ये आईईडी धमाका हुआ है, सुरक्षा बल पर हमले की साजिश ये रची गई है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रिफत, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पे धमाका हो गया, जो आईईडी ब्लास्ट है, मिलिटेंटों ने आईईडी लगाई थी, ये ऑर्चर्ड का एरिया है और रोड है वहां पे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हालांकि काफी नजदीक जो थे सीआरपीएफ के लोग नहीं थे, लेकिन वहां सीआरपीएफ की कॉन्वाई जो है गाड़ियां चल रही थी। बताया जा रहा है कि 182 बटालियन की गाड़ियां चल रही थी, उसमें एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो घायल हो गया, माइनर इंजरी उसको लगी है। लेकिन जिस तरीके से ये आईईडी प्लांट की गई थी तो बहुत हादसा बड़ा हो सकता था अगर नजदीक जो है गाड़ियां होती और उसके बाद ये आईईडी ब्लास्ट होता। लेकिन गाड़ियां जो है चल रही थी तो दूर से जो है एक सीआरपीएफ के जवान को चोट आई है और वो माइनर इंजर्ड बताया जा रहा है। लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे पहुंचे हैं, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस, और बाकी जो है तहकीकात की जा रही है मामले की कि कैसे मिलिटेंटों ने वहां पे आईईडी लगाई और उसको कैसे ब्लास्ट किया और क्या वो उस टाइम वहां पर ही थे, और अगर वो वहां पे थे तो उनको ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अर्पिता जी,